आज देश भर में लोह पुरुष सरदार पटेल की जयंती मनाई जा रही है। सरदार पटेल की ये 146वीं जयंती है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर नमन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के पहले गृह मंत्री थे और जिनको हम लौह पुरुष कहते हैं, उनके जन्मदिन पे, उनकी जयंती पे मैं सारे देशवासियों को लाख लाख बधाई देता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो महान राजनेता थे जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया, भारत को एक किया, क्योंकि आजादी के बाद जो रियासतें थी वो अलग अलग अपना विधान चलाकर चल रही थी। उनको एक भारत के नीचे लाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। केवल एक क्षेत्र रह गया क्योंकि प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी की जो उस समय निर्णय उन्होंने लिया, वो निर्णय के कारण लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई कि जो कश्मीर में उन्होंने टेम्परेरी धारा 370 पंडित नेहरू जी ने लगा दी, और वो धारा 370 के कारण कश्मीर में अलग विधान संविधान प्रधान का जो एक मत बना, जिसके लिए भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने प्राण बलिदान कर दिए कि मैं अखंड भारत के लिए जीऊंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और उनके स्वप्न को साकार किया, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वो किया। आज भाई नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और गृह मंत्री अमित शाह जी ने, कि जिन्होंने धारा 370 और 35 से खत्म करके कश्मीर को भी भारत का हिस्सा बनाया है। मेरी कुछ दिन पहले कश्मीर जाने का मौका मिला, श्रीनगर जाने का मौका मिला, 100 के करीब सांसद वहां पे उपस्थित थे हमारे, तो वहां पे हम देख के वही श्रीनगर हमें याद आ गया जो देश की कश्मीर, जो दुनिया की एक स्वर्ग माना जाता है।